Hi everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Deepa Vashisht here, and today I am here to discuss about the preparation strategy for the KVS PGT chemistry exam. देखो ऐसा है कि अभी जो नोटिफिकेशन निकली है तो ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लोगों ने एक अपना वीडियो सीक्वेंस एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि सिलेबस क्या है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि क्या टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड बताया गया है पिछली वीडियोज़ में. उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्या कहता है कि इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किन पे ज़्यादा मतलब जिनकी वेटेज ज़्यादा रही है आज तक, तो वो सबसे पहले तैयार करने चाहिए. ये सब हमने पुरानी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था. ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए. देखो सबसे पहला किसी भी एग्ज़ाम, सबसे पहली बात या सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर क्रैक करने का सोच रहे हो, उसकी प्रिपरेशन का सोच रहे हो, तो सबसे पहले चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन. अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री की बात करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको इतना मिलेगा कंटेंट कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे उसको, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए सब कुछ कवर करना होता है, उसकी एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है. तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप नोट डाउन करो उसका सिलेबस, उसके चैप्टर्स, फिर देखो उनका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जो मैंने बताया था, वेटेज कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, बिकॉज ऐसा रूल फॉलो करना चाहिए कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाए, जिसकी वेटेज कम है अगर वो बाद में भी किया जाता है, एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो आप एटलीस्ट पैनिक क्रिएट नहीं होगा, समझ रहे हो, इसलिए हमने वो वीडियो बनाया था. तो अब बात आती है कि इतना हमने कर लिया, अब बताओ शुरुआत कैसे करें, अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कैसे रखें. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, यूनिट है, उसको स्टार्ट करो, उसी से शुरू करो एक एक करके. पहले आप उसके IUPAC नॉमनक्लेचर को करो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कर लो, फिर एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन करो, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी. इस तरीके से जब आप छोटे छोटे पार्ट्स को अपना टारगेट बना के रखोगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको अपने आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखेगा कि आपने सारा चैप्टर थोड़े थोड़े पार्ट्स में बहुत अच्छे से कवर कर लिया. ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है. GOC और उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलोजन्स की केमिस्ट्री, अमीन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल वन बाय वन करने हैं. बट सबसे पहले आपको GOC ही करनी है किसी भी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे के रिएक्शंस के साथ लिंक बहुत अच्छा बैठ जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपका हुआ कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है. अब मैं बात करूं कि अगर बुक्स की या फिर तैयारी की, तो अभी तक जो KVS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें NCERT की बुक्स को ना रेफरेंस के लिए वो स्पेशली मेंशन भी करता है और रखता भी है. तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि NCERT की बुक को तो बिल्कुल ही अच्छे से, एक पॉइंट भी मिस किए बिना उसको सबसे अच्छे से तैयार कर लो. NCERT की बुक तो सामने होनी चाहिए, उसका कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए. अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे हमारे पास बुक्स आती हैं, हम प्लस वन प्लस टू में वो लेते थे ना, मॉडर्न्स की, प्रदीप्स की, इस टाइप की बुक्स आती हैं, या अभी तो नीट ITJEE के लिए भी और काफ़ी बुक्स आ रही हैं जिसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. अगर वो आप प्रैक्टिस के लिए अपने साथ रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट NCERT से ही करना. ठीक है, तो मेरे काफ़ी कोई ऐसे नोन हैं जिनके मैं एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि उनका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि उनको NCERT की एक एक बात रटी हुई थी, किस चैप्टर में किस पेज पे क्या लिखा हुआ है. तो NCERT को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उसकी हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिख लिख के जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर लेना, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है. और केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी. बट हाँ, ऐसा है कि अभी जैसे सिलेबस चेंज होने की बात बोली गई है, तो देर आर चांसेस कि वो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दे, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप थोड़ा सा नीट लेवल का, JEE का नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं आपके कंटेंट से हो पा रहे हैं, आप उनको डेफिनेटली ट्राई करो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि दो कदम आगे चलने में ही भलाई
आई है, अगर ऐसा बोला है कि सिलेबस चेंज कर रहे हैं या कुछ भी है, जो टाइटल मेंशन नहीं है उसके भी क्वेश्चंस अगर वहाँ आए आपको ग्रेजुएशन लेवल के थोड़े बहुत, तो अगर आपकी तैयारी पहले से वैसी होगी तो आपको वहाँ पे कोई सरप्राइज सा फील नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई एनसीईआरटी को तो बेस लेके चलना ही चलना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा बहुत नीट लेवल का भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर मुझे कोई और भी बुक्स की देखो ऐसा है कि मार्केट में बुक्स बहुत सारी हैं, बट मैं पर्सनली क्यों आपको ऐसे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि हाँ उसको ले लो उसको ले लो, क्योंकि ये मैं श्योरिटी नहीं दे सकती कि किसी बुक में मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। बहुत कम बुक्स ऐसे मिलेंगी जिसमें मिस्टेक्स कम होती हैं, और उससे क्या होगा कि फिर आप वो गलत चीज़ें फॉलो करते जाओगे या आपने जो कंसेप्ट्स अपने पढ़े होंगे आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो ऐसा पढ़ा था यहाँ ऐसा है। दैट्स वाई मैं बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड उसके लेवल की बात कर रही हूँ कि आप उनको फॉलो करो। मॉडर्न्स या प्रदीप के एंड में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपनी। जब कोई चैप्टर पढ़ते हो तो होल्ड तभी बनेगा जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी, है ना, तभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सिर्फ चीज़ों को याद करना मेमोराइज करना ही इनफ नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप उस लेवल के कॉन्फिडेंस मतलब उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे कि हाँ एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आया और हम कर जाएंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखनी ही रखनी है। तो ये मेरा सजेशन है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए कि यस चीज़ों को पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको याद करो, बार बार रिवाइज करो, अच्छे से स्टोर करो, है ना। जैसे आपके पास दो तरह के कवर्ड्स होते हैं, एक ऐसा उसमें कुछ भी कपड़े भरे हुए हैं तो जैसे तुम खोलोगे सारे गिर जाएंगे, एक कवर्ड होती है बिल्कुल तह लगा के कपड़े रखे गए हैं, है ना, तो उसमें से जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी आप आराम से निकाल सकते हो। सेम अपने माइंड को वैसे ही ट्रीट करो, ऐसा नहीं कूड़ेदान मत बनाओ कि कुछ भी पढ़ा सब कुछ भर दिया, नहीं, बहुत ही अरेंज्ड और एक सीक्वेंस मैनर में चीज़ों को स्टोर किया करो। जितना पढ़ा बिल्कुल पक्का करके पढ़ा, लिख लिख के रिवाइज करा बहुत अच्छे से कि अगली बार कोई भी पूछेगा तो हल्का सा पढ़ा और हम बता देंगे, ऐसे अपनी तैयारी करके चलो। सो आई एम प्रेटी मच श्योर कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखोगे तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम क्रैक भी कर जाओगे, और ये जॉब का जो आपका एक गोल है कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो भी आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। माई ऑल गुड विशेज आर विथ यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।